जल्दी चलो, छूटने वाली है ट्रेन। सो गाइज रेडी होके इतना बढ़िया बन के आए थे और पॉपट हो गया हमारा। अभी इधर से हम जा रहे हैं लक्कड़ बाजार। सो गाइज अभी हम कालका जी पहुँचे हैं और यहाँ से हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। और यार मेरा पूरा गला ख़राब हो गया पता नहीं क्यों, और अभी मेरी पूरी बॉडी भी सोर हो रही है क्योंकि मैंने 3 या 4 दिन का वर्कआउट कल ही पूरा कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब जब मैं जाऊँगा तो मेरा वर्कआउट ना छूट जाए। सो इसीलिए मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट किया, उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी सोर हो रही है, पेन कर रही है। सो मेरी तबीयत जाने से पहले ही थोड़ी ख़राब सी हो रही है, मेरा गला भी ठीक से काम नहीं कर रहा, खराश हो रही है बहुत गंदे वाली। सो देखते हैं अभी दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं इधर से। सो चलो यार आगे मिलता हूँ आपसे, जल्दी चलो छूटने वाली है ट्रेन। यार ये ट्रेन है वो हमारी, और ये टॉय ट्रेन है, छोटी ट्रेन है उससे, और देखने तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे ये। सो चलो यार देखते हैं अंदर से कैसी है। अरे लाओ यार। ये ब्रंच हो गया हमारा। और गाइस ये देखो व्यू देखो कितना बढ़िया ऑसम। रुको मैं खोल के दिखाता हूँ। शायद ये बंद है इसलिए खुल नहीं रहा ये, बट आप ऐसे ही देख लो। और एक रूम और दिखाता हूँ मैं आपको, और ये हमारा सेकंड रूम जिसका व्यू है ये। इसका व्यू यार कुछ अच्छा नहीं है वो, ये इसका मेरा रूम है। और ये हमारा अर्णव, और ये तुम्हारा भाई रेडी हुआ है देख लो, सही लग रहा हूँ ये देखो। सो भाई मैं ऐसे रेडी हो गया हूँ, मैंने जीन्स पहनी है और ये शर्ट, और अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। सुबह से कुछ नहीं खाया है और सारे थके हुए हैं, बट हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, क्योंकि अभी अगर सोते हैं तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद घूमने का डिसाइड करते हैं, और कल भी हम बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ, बाय, आपको मिलता हूँ लंच ब्रेकफास्ट में, बाय। अबे पराठा खा लेना, क्या करेगा मैगी, यहाँ की भी मैगी चाहिए क्या तेरे को? इतनी अच्छी जगह आया पराठे नहीं खा रहा भाई। गाइस ये मैगी खा रहा है यहाँ के भी, क्या कहना है। ये देखो कितनी अच्छी है, मोदी तो पराठा खा रही है, और ये देखो पराठा नहीं खाया मैगी मांग रहा है यहाँ भी, ऐसे बंदों को लाना नहीं चाहिए। कैसे थे पराठे? मस्त पराठे। कैसे थे?
सो अंकल थैंक यू वो पराठों के लिए। और भाई किसी को भी आना हो अंकल की दुकान पे आ जाना, पिंकू जी। और ये मॉल रोड से किधर की तरफ पड़ेगी अंकल? ये नियर कालीबाड़ी पड़ेगी, तो चेकआउट कर लेना एक बार। और हम तो अभी बढ़िया पराठे खाए, मैंने भी चीट मील कर ली आज, दो की जगह तीन पराठे खा लिए मैंने भी। सो सारी सर्विस है, आप अंकल से आके बोल देना, और मेरा नाम बोलोगे तो अंकल डिस्काउंट भी देते हैं बढ़िया। क्या बोला तूने? अंकल है, हमने मिक्स पराठे खाए थे, वो भी अंकल ने मतलब सिंपल पराठों का ही प्राइस लगाया, सो बढ़िया है। और चाय भी बहुत अच्छी थी, ना ज़्यादा मीठी, मतलब परफेक्ट थी। मेरे को चाय तो आपको पता ही है पसंद है। और अभी हम घूमने जाएंगे, बट बारिश का मौसम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, बट चलो यार बढ़िया नाश्ता हो गया और लंच भी। यस, ये देखिए एक सब्सक्राइबर आया मुझसे मिलने, खा ले। और ये देखो मैगी भाई खिलाइयो, ये भी अंकल, ये भी गाइस हमने अंकल से ली है मैगी, अभी खा के देखते हैं। मैगी खिलाइयो भाई, मेरे को तो खिला, मेरे को तो खिला दे, मेरे को खिला दे भाई, मस्त है भाई मैगी एक नंबर। तो गाइस रेडी होके इतना बढ़िया बन के आए थे और पॉपट हो गया हमारा, तो अंकल की दुकान पे छोड़ा है, देख लो यार कैसा होता है फैमिली के साथ। सो अभी पोपट हो गया हमारा, हम होटल जा रहे हैं, बारिश आ गई है बहुत तेज़। सो यार निकलो होटल में, शाम को देखते हैं। थैंक यू फॉर चाय, बढ़िया चाय थी सर। भैया टेस्टी से बना देना। गाइस देखो मेरे जीजू ने टोपी ली है, और मेरे जीजू बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यही के हो। आप बताओ कमेंट करके, बिल्कुल पहाड़ी नहीं लग रहे हैं? अभी इधर से हम जा रहे हैं लक्कड़ बाज़ार। सो सामने ही लक्कड़ बाज़ार का रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यही रास्ता है लक्कड़ बाज़ार का, सो इस रास्ते से जा रहे हैं हम, और ये आ रही हमारी स्कूल। देखते हैं क्या मिलता है आज डिनर में। सो यार अभी हम आए हैं एक बढ़िया सा, हमें पास ही मिल गया था होटल के रेस्टोरेंट, और बहुत ही खाया हमने आज गंद। सो अभी हम हल्का खाना खाएंगे, राइस, हल्की सी दाल फ्राई और थोड़ी चपाती खाएंगे, और वो खा के हमारा प्लान कुछ बन रहा है मॉल रोड जाने का, बट दीदी हर मना कर रही हैं। सो उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान है, हो सका तो इसी ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।